हाय एवरीवन, एक्चुअली जयपुर में कल रात से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है प्रॉपर्ली। कल शाम को बहुत तेज़ आंधी आई थी एंड आंधी आने के बाद में कुछ लाइन में बहुत मेजर फॉल्ट हुआ था, जिस वजह से रात से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। हमने कंप्लेन भी किया बट वहाँ से विद्युत वितरण निगम से जो लोग आए थे ठीक करने, उन्होंने चेक किया एंड दे वर नॉट एबल टू फाइंड आउट द फॉल्ट इन लाइन। सो उन्होंने कहा कि वो सुबह आकर के चेक करेंगे। एक्चुअली अभी पूरी कॉलोनी में लाइट नहीं है। सो गर्मी बहुत ज़्यादा थी एंड रहा नहीं जा रहा था, घर में छोटी बच्ची है, दे वर नॉट एबल टू स्लीप। सो मैंने सोचा कि इसमें कुछ करना पड़ेगा, इतनी गर्मी में तो रात नहीं निकाल सकते। सो मेरे पास एक ल्यूमिनस का इन्वर्टर था, ये आप देख सकते हैं ल्यूमिनस का इन्वर्टर है ये, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो अभी ऑन बैटरी है ये, अभी बैटरी की लाइट चालू है, इको मोड ऑन है, ठीक है। सो इतनी गर्मी में पूरी रात निकालना बहुत मुश्किल था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए, क्यों ना इस इन्वर्टर को गाड़ी से कनेक्ट किया जाए एंड देखते हैं कि कितने टाइम ये चल सकती है। सो रात को करीब 12 बजे मैंने इसे इंस्टॉल किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, सोना मुश्किल हो चुका था, किसी को नींद नहीं आ पा रही थी गर्मी के वजह से। तो रात को 12:30 बजे करीब इसको मैंने चालू कर दिया था। इट हार्डली टुक हाफ एन आवर टू इंस्टॉल एवरीथिंग। इन्वर्टर को यहाँ पे मैंने डायरेक्टली गाड़ी की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हैं ये मैंने कार की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है एंड 12:30 बजे से गाड़ी ऑन ही है क्योंकि बैटरी के डिस्चार्ज होने का डर था, इसलिए मुझे गाड़ी को ऑन छोड़ना था। अगर मैं इसे ऑफ़ कर देता तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती एंड देन गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो पाती। सो रात को 12:30 बजे से गाड़ी ऑन है और अभी करीब 6 बज चुके हैं दिन के एंड करीब करीब 5.5 घंटे ये चल रहा है 5.5 घंटे से। एंड मैं दिखाता हूँ इसे कनेक्ट कैसे किया मैंने। यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे इसका पॉजिटिव वायर लगाया, यहाँ नेगेटिव, मैंने इसे स्क्रू कर दिया है जिससे कुछ भी लूज़ कनेक्शन ना रहे। एंड जन जो इन्वर्टर का आउटपुट है वहाँ से मैंने कनेक्ट किया है सीधे वोल्ट मीटर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये समवेयर अराउंड 220 वोल्ट्स बना रहा है अभी एंड 1.2 एम्पियर के आसपास पावर कंज्यूम हो रही है। अभी इस समय कूलर चालू है, फ्रिज चालू है, आई थिंक एक दो पंखे और चालू होंगे, ठीक है। ये रात भर से यही सब चीज़ें चालू है, कूलर ऑन है, दो कूलर ऑन थे रात को, एक फ्रिज ऑन था और बाकी सारी लाइटें हमने ऑफ कर दी थी जिससे कि बैटरी ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज ना हो। सो पूरी रात दो कूलर चले हैं और फ्रिज चला है। अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली, ये जो वायर हैं ये दोनों, ये मेरे घर की लाइन है जो यहाँ पे मीटर से कनेक्टेड था MCB के बाद में। मीटर के बाद में लाइन आकर के एक MCB में जाती है, MCB को मैंने ऑफ कर रखा है, यहाँ से मैंने वायर डिसकनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं और मैंने एक ये वोल्टेज मीटर लगाया है और ये यहाँ से इनपुट है अपने इन्वर्टर का, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, कि इन केस अगर आपको इमरजेंसी में इलेक्ट्रिसिटी ना हो आपके घर में और आपके पास कोई गाड़ी हो और एक इन्वर्टर हो तो यू कैन सर्वाइव द एंटायर नाइट, आप इजीली सो सकते हैं पूरे ही रात। ये डीजल कार है मेरी एंड डीजल होने के कारण प्लस इसका इंजन बहुत छोटा है, ये 1100 सीसी का इंजन है। सो ये करीब 2 से 2.5 घंटे में 1 लीटर डीजल कंज्यूम करती है खड़ी खड़ी। सो मुझे ये कन्वीनियंट लगा, पूरी रात में मुश्किल से इसने करीब 2 या 3 लीटर डीजल खा लिया, मतलब अब तक कंज्यूम कर लिया होगा, बट विच इज़ अगेन कन्वीनियंट, एटलीस्ट घर वाले सब चैन से सो सके। एंड करीब 5.5 घंटे से सेटअप ऑन है
और इसी तरह से चल रहा है, जब तक लाइट नहीं आती तब तक मैं इसे ऑन ही रखने वाला हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा कि जब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी का, इनके घर के मेन लाइन का कुछ अंदाज़ा ना हो, आप इस एक्सपेरिमेंट को ना करें, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है बहुत ज़्यादा। मुझे पता था कि इसमें कौन सी लाइन कहाँ पे यूज़ होती है, एंड ये सारा सेटअप एक्चुअली जो MCB जो है ये भी मैंने ही लगाई थी, और उसके आगे का भी पूरा सेटअप मैंने किया था। सो मुझे आइडिया है कि कौन से वायर मुझे खोलने हैं। अगर आपको इस केस में अगर कोई आइडिया ना हो तो प्लीज़ घर पे आप ये एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आपको पता है कि किस तरह से आपको कौन से वायर खोलने पे आपको कनेक्शन देना है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि आप इसे ट्राई ना करें। दिस इज़ ओनली फॉर इमरजेंसी केस, जस्ट इन केस अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और आप पूरी रात आपको निकालनी पड़े तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि मैंने गाड़ी के हुड को ओपन रखा पूरी रात, क्योंकि खड़ी खड़ी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, एंड इफ़ देर विल बी नो एग्जॉस्ट तो सारे इंजन के पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा गर्म होने लग जाते हैं। तो पूरी रात से ये हुड ओपन है, एंड अभी मैंने देखा सुबह आकर के तो ये पार्ट्स जो हैं इतने ज़्यादा गर्म नहीं हैं। सो दैट मीन्स हुड ओपन रखना ज़रूरी है। सो कमेंट कीजिएगा गाइस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज़ वेल। थैंक यू सो मच।